हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे पटेटो डोनट। पटेटो डोनट बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 500 ग्राम आलू को उबाल के बारीक वाले ग्रेटर में ग्रेट किया है। बारीक वाला ग्रेटर है तो उसी में ग्रेट कीजिएगा, उससे आलू बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। 1 टीस्पून इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची माइनस भी कर सकते हैं या 1 डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्ची डालेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ गाजर डालेंगे। कोई भी सब्जी आप माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये डोनट्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इनको आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आगे बताऊंगी इनको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। 1/2 कप इसमें ग्रेट किया हुआ शेडर चीज डालेंगे, 1/2 कप ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज डालेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। दोनों चीज में नमक होता है इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/4 कप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ब्रेड क्रम्स की मात्रा आलू की नमी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आलू ज़्यादा पतले हैं, पूरा मिश्रण मिलाने के बाद अगर लगता है कि मिश्रण पतला है तो ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लोर दोनों ही थोड़े थोड़े और ऐड किए जा सकते हैं, और अगर ठीक रहता है तो फिर इतना ही ठीक है, लेकिन आधा आधा कप से ज़्यादा नहीं डालना है। लहसुन आप अगर नहीं खाते हैं तो माइनस कर सकते हैं। ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं। इस तरीके से ये देखिए बाइंड हम करेंगे तो ये हाथ में ज़्यादा चिपक नहीं रहा हो, इससे कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स का आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये देखिए मिश्रण हाथ में चिपक नहीं रहा है। अब डोनट शेप करेंगे। इससे बड़े या छोटे किसी भी साइज के डोनट्स बनाए जा सकते हैं, जिस तरह के आप बनाना चाहें उतना बड़ा पेड़ा ले लें। इस तरीके से प्लेट पे थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। और ये देखिए एक ढक्कन है, कोई भी ढक्कन आपके पास होगा वो ले लीजिए। इसको बाकी मिश्रण में ऐड कर लेंगे और ये देखिए हाथ से थोड़ा इसकी शेप ठीक कर देंगे। पहले पूरे मिश्रण के आप टिक्की शेप कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि सभी डोनट्स एक साइज के बनेंगे। उसके बाद में इनको सबको ढक्कन से बीच में से कट कर लीजिएगा। इसी तरह सभी डोनट्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी डोनट्स शेप हो गए हैं, अब आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची डाल के ये देखिए इस तरह की स्लरी बना ली है। बिल्कुल पतली भी नहीं है और गाढ़ी भी नहीं है। अब इससे डोनट्स को कोट करेंगे। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, स्लरी में डुबाएंगे, एक्स्ट्रा मैदा निकलने देंगे और ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। हाथ आपका एक बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। और इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इस तरह भी आप फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप इसको फिर से एक बार डिप करेंगे और अब ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इस तरीके से डबल कोटिंग से डोनट्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए इसी तरह सभी डोनट्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी डोनट्स तैयार हो गए हैं, सबको मैंने डबल कोट किया है। अब इनको फ्राई करेंगे। पटेटो डोनट्स फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दीजिए। ये देखिए ये पटेटो डोनट्स को आप
एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से बटर पेपर लगा के दो नीचे रखे हैं मैंने बटर पेपर के ऊपर, फिर इस दो रख के इसको आप 1 से 2 महीने के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं। इसका ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रख दीजिए और जब आपको खाने हो तब आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ऑयल को अच्छा तेज़ गर्म करेंगे, फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला है, तो हम ठंडे ऑयल में इनको फ्राई नहीं करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब एक एक करके डोनट्स इसमें डालेंगे। अगर कढ़ाई आपकी फ्लैट टाइप होगी तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से इनको घुमा देंगे, धीरे से साइड चेंज कर देंगे, इसी तरह साइड बदलते हुए इनको गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया है डोनट, अब इसको निकाल देंगे। इसी तरह सभी डोनट्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सभी डोनट्स फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे डोनट्स बने हैं। आप इनको इस तरह तो सर्व कर ही सकते हैं, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए आप इनको थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ। ये देखिए ये मेयोनीज है, चिली मेयोनीज इस तरह से डाल देंगे। इसके ऊपर आप थोड़ी टमाटो केचप लगा सकते हैं। ये ग्रीन चटनी है धनिया पुदीना की। लीजिए बनके तैयार हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी पोटैटो डोनट्स। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।